केजरीवाल सरकार ने पिछले दो दिनों से दिल्ली के महरौली में जारी तोड़फोड़ रोकने का आदेश दिया है। दरअसल यह आदेश सीमांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी मिलने के कारण दिया गया है। इसके बाद राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन कराने का आदेश दिया है। दो दिनों से दिल्ली के महरौली इलाके में चलाए जा रही दिल्ली विकास प्राधिकरण की डेमोलिशन ड्राइव थमती दिख रही है। दूसरे दिन में भारी बवाल के बाद केजरीवाल सरकार ने डीडीए को तोड़फोड़ अभियान को रोकने के निर्देश दिए। बता दें कि तोड़फोड़ अभियान को अंजाम देने के लिए राजस्व विभाग के सीमांकन का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी प्रक्रिया में गड़बड़ी मिलने पर सीमांकन को रद्द कर दिया। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन कराने का आदेश दिया है। राजस्व मंत्री ने कहा है कि कब्जाधारियों को बिना कोई नोटिस दिए अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया है। उन्होंने जिला अधिकारी को भूमि का नए सिरे से सीमांकन करने और डीडीए को तत्काल इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। दरअसल महरौली पुरातत्व पार्क के सीमांकन के नाम पर दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए महरौली विधानसभा क्षेत्र में तोड़फोड़ अभियान चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज।